अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स को स्केलिंग के हवाले से जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, हम उनके बारे में बात करेंगे। हमने पिछले मॉड्यूल में एडवांटेजेस और चैलेंजेस दोनों का जिक्र किया था। एडवांटेजेस ऑब्वियस के उनका इम्पैक्ट बढ़ेगा, ज्यादा लोगों तक ज्यादा फायदा पहुंचेगा, मुआशरे में ज्यादा बेहतरी आएगी, ये फायदा है स्केलिंग का। चैलेंजेस उन्हें क्या फेस करने पड़ सकते हैं स्पेसिफिकली? दो तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स को स्केलिंग के हवाले से। एक इंटरनल टू द एंटरप्राइज के सोशल वेंचर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और दूसरे एक्सटर्नल टू द सोशल वेंचर जो मार्केट में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमारा फोकस चूंकि सोशल एंटरप्रेन्योर्स या पोटेंशियल सोशल एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रेटजीज देना है स्केलिंग की, इन चैलेंजेस का सलूशन देना है, तो जाहिर है सोशल एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल जो है वो इंटरनल चैलेंजेस पर होता है। तो हम इंटरनल चैलेंजेस पर थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। पहला चैलेंज जो किसी सोशल एंटरप्रेन्योर को स्केलिंग के हवाले से फेस करना पड़ सकता है, वो उसके विजन, जो उसका ग्रोथ का विजन है उसमें, और जो उसके स्टाफ और बोर्ड मेंबर्स हैं उनके विजन में फर्क हो सकता है। हो सकता है जो फाउंडर एंटरप्रेन्योर है वो स्केल करना चाहे, वो अपने इम्पैक्ट को बढ़ाना चाहे, लेकिन स्टाफ और बोर्ड मेंबर जो है वो रिलक्टेंट हो। बेसिकली ग्रोथ जो है उसमें चेंज इन्वॉल्व होती है, चीजें बदलती हैं, स्टाफ की पोजीशंस बदल सकती हैं, बोर्ड को डिफरेंट डिसीजंस लेना पड़ सकते हैं। ऐसे में लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, सारे लोग जो हैं वो चेंज के लिए तैयार नहीं होते, तो वो जो रेजिस्टेंस आती है वो पहला चैलेंज है जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स जब स्केलिंग का आइडिया लॉन्च करते हैं तो उनको अपने ही स्टाफ और बोर्ड मेंबर्स की तरफ से सामना होता है। दूसरा और रिलेटेड चैलेंज जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से स्पेसिफिकली है। फाउंडर जो है सोशल एंटरप्रेन्योर, उसका आइडिया खास तौर पर नॉन प्रॉफिट सेक्टर जो है सोशल एंटरप्रेन्योर में, वो चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए से कंट्रोल होता है, सोशल एंटरप्रेन्योर अकेला कंट्रोल नहीं करता या करती, तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉन्सेंट चाहिए होती है हर काम को करने के लिए। और स्केलिंग एक मेजर डिसीजन है कि अब हमने अपनी सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो आइडिया जो है वो सिंक नहीं करता, उनके जहन में नहीं बैठता, तो एक्चुअली दे कैन ब्लॉक द आइडिया, वो सोशल एंटरप्रेन्योर को स्केलिंग से रोक सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। ये दूसरा चैलेंज है कि सोशल एंटरप्रेन्योर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कन्विंस करना है, उनका ट्रस्ट विन करना है कि वी कैन स्केल, हम अपने इम्पैक्ट जो है उसको बढ़ाने की पोजीशन में हैं, उससे हमें फायदा होगा, हमारे बेनिफिशरीज को फायदा होगा। तीसरा चैलेंज जो सोशल एंटरप्रेन्योर को स्केलिंग के हवाले से फेस करना पड़ सकता है, वो यूजुअली नॉट फॉर प्रॉफिट्स जो है उनमें ज्यादा होता है। जो नॉन प्रॉफिट सोशल वेंचर्स हैं वो अमूमन मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजीज से थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि स्टाफ फेमिलियर नहीं होता, या वो समझते हैं कि ये उनको खास तौर पर जो मिशन है उससे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। इवन सो मच सो के अभी उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट भी नहीं किया होता, लेकिन चूंकि रूटीन जो है वो नॉन प्रॉफिट है, मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, तो जैसे ही एक्सपेंड करने की या स्केल करने की बात होती है तो लोगों के जहन में फौरन से आता है कि दिस इज समथिंग मार्केट बेस्ड, और वो जो एक नर्वसनेस है नॉन प्रॉफिट्स के स्टाफ में मार्केट के हवाले से, वो सामने आ जाती है, जिसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशंस समेत उनके स्टाफ के, बोर्ड मेंबर्स के, उनके बेनिफिशरीज के, वो जो नर्वसनेस है मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजी से वो रोकती है, वो एक रेजिस्टेंस या चैलेंज क्रिएट कर देती है फाउंडर सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए स्केलिंग के हवाले से। इसी तरह एक और चैलेंज जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को फेस करना पड़ सकता है वो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से है। हम थ्रू आउट बात करते आए हैं कि फंडर्स, खासतौर पर जो इन्वेस्टमेंट फंडर्स हैं वो, लेकिन साथ ही फाउंडेशंस और नॉन प्रॉफिट जो हैं, जो ग्रांट्स हैं, जो रिटर्न नहीं चाहते, वो सब लोग अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर से, कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट, क्लियर और डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा जाए अपने जो उनके इन्वेस्टमेंट है उसका, जो रुपये खर्च हुए हैं,
जो सरमाया खर्च हुआ है उसका। जब स्केलिंग का आइडिया फ्लोट किया जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि पिछला सारा रिकॉर्ड बुक्स, जो अब तक इन्वेस्टमेंट थी उसका हिसाब किताब, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के हिसाब से सोशल एंटरप्रेन्योर्स देने के लिए तैयार हों। वो इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सकें कि अब तक उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो अच्छी तरह खर्च हुई है और उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो अवेलेबल है। वो कम्युनिटी को या बेनिफिशरीज को उनके लेवल पे, जो कि एक लेमन लैंग्वेज होगी, उसमें उसका हिसाब देंगे। अलगर्ज उन्हें हर स्टेज पे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है कि दे कैन बी अकाउंटेबल। इवन अगर स्केल बढ़ भी जाए, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी ग्रोथ हो भी, तो भी वो मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेस। जब स्केलिंग होती है तो ऑफ कोर्स या तो एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है उसकी स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, या फिर नए ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, सिंपली बिकॉज देर इज मोर वर्क टू डू, देर आर मोर पीपल टू बेनिफिट, देर आर मोर सर्विसेज टू डिलीवर, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। सोशल एंटरप्रेन्योर को स्केलिंग को कंसिडर करते हुए इन चैलेंजेस को कंसिडर करना है कि अगर वो स्केलिंग का उसने फैसला करना है तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और स्केलिंग के दौरान कि वो जब जब ये चैलेंजेस पेश आएंगे वो उनको कैसे हैंडल करेगा।